मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे होममेड चाउमीन, जिसके अंदर हम आपको चाउमीन ही घर में बनाना सिखाएंगे। चलिए आइए अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम एक कप मैदा ले लेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसके अंदर मौजूद तमाम इम्प्योरिटीज अच्छे तरीके से निकल जाएं। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर एक चुटकी फूड कलर शामिल कर देंगे। फूड कलर शामिल करने से हमारे चाउमीन का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे। आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरीके से माम रूटीन में आटे गूंदते हैं, सेम हम उसी तरीके से अपनी चाउमीन की डो को गूंद लेंगे। अब हम इसको डाइस करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े करेंगे। पेड़े करने से पहले मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से कट लगा रही हूँ और इसको मैं 4 पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ। इसके पीसेस बनाने के बाद हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। मेरे प्यार व्यूवर्स, आपने अपने पेड़ों का साइज नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा। मैंने यहाँ पर एक कप मैदे से 4 पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब अपने वर्किंग टेबल पर थोड़ा सा आटा छिड़केंगे। देन दोस्तों हम इसको बेल लेंगे जिस तरीके से हमारे रूटीन में रोटी को बेलते हैं। इसको ना ही हमने ज़्यादा बारीक बेलना है, ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। अब हम इसकी रोटियाँ तैयार कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा पानी बॉयल हो रहा है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर अपनी रोटी शामिल कर देंगे जो हमने बेल कर रखी थी। दोस्तों मैंने इस तरीके की 4 रोटियां तैयार की हैं। अब हम इसको गर्म पानी के अंदर शामिल कर देंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये इतनी यम्मी रेसिपी बनती है कि आप इस रेसिपी को बनाने के बाद बाजार से स्पैगेटी लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। जब हमारी रोटी कुक हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये पानी के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी 1 by 1 कर सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मेरी रोटियां रेडी हो चुकी हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं फूड कलर के साथ इसका कितना प्यारा कलर अपीयर हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं हस्बे जरूरत घी शामिल किया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। जब हमारा लहसुन सोते हो जाए तो हम इसके अंदर 1 प्याली स्ट्रिप्स में कटा हुआ गोश्त शामिल कर देंगे। चिकन दोस्तों मैं यहाँ पर बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों पैन में चिकन शामिल करने के बाद अब यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पैन के अंदर फायर अपीयर होना स्टार्ट हो गई है और ये बहुत ही सेटिस्फाई सीन लग रहा है। अब हम इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर हस्बे जरूरत नमक शामिल कर देंगे। देन हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब हमारे गोश्त का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसके अंदर हाफ प्याली दोस्तों पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब हम अपनी रोटी की स्पैगेटी की शेप में स्ट्रिप्स काटना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसकी स्ट्रिप्स किस तरह से काटनी है। दोस्तों आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ना ही स्ट्रिप्स हमने ज़्यादा मोटी काटनी है और ना ही ज़्यादा बारीक। यहाँ पर मैं इसी तरीके से अपनी सारी स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। दोस्तों इस रेसिपी के साथ आपके पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाजार की स्पैगेटीज की तरह होगा। अब हम इसको ठंडे पानी के अंदर निताड़ लेंगे। दूसरी साइड पर दोस्तों हमारा गोश्त भी कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे जो कि इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। साथ साथ हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और चाट मसाला शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर कैरेट शामिल करेंगे। कैरेट शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। दोस्तों वेजिटेबल को आपने क्रंची क्रंची रखना है, आपने इसको ज्यादा कुक नहीं करना। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप इसके अंदर अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर देंगे। बंद गोभी शामिल करने से दोस्तों इसका टेस्ट और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है।
अब हम इसके अंदर टमाटो केचप शामिल कर देंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है। अब हम इसके अंदर अपनी स्पैगेटी शामिल कर देंगे जो मैंने आपको अभी बनाना सिखाई है। अब हम अपनी चौमिन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे, देन हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। सिरका शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चौमिन की फाइनल लुक, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये कितनी यम्मी और कितनी डिलीशियस बनी है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप भी इस तरीके से चौमिन को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको और आपके फैमिली मेम्बर को बहुत पसंद आने वाली है, और अब तो आपके पैसों के भी बचत होने वाली है। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।